नूर खाना खा लो। अब जब माफी तलाफी हो ही गई है तो तुम भी गुस्सा थोप दो, माफ कर दो उन्हें और खाना खा लो। किसने कहा मैंने उसे माफ कर दिया है? अभी नीचे टेबल पर सॉरी तो बोला तुमने। सिर्फ शहरयार की वजह से, वरना उस शख्स के साथ मेरा एक मिनट भी रहने का दिल नहीं चाहता। नूर बुरी बात है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, तुम्हारा शौहर है, तुमने कभी तो मोहब्बत की होगी ना उनसे? की थी, मगर ऐसे इंसान से जो कमाता था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था, एक कामयाब इंसान था। मगर जिब्रान अब ऐसा नहीं रहा, वो एक नाकाम और नामुराद इंसान है। नूर प्लीज, मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अच्छे बुरे वक्त में साथ देना पड़ता है। तुम्हें अगर जिब्रान जैसे इंसान के साथ गुजारा करना पड़े तो क्या करोगे तुम? तुम्हें तो शहरयार जैसा शौहर मिला है ना, तुम्हें क्या पता बुरे हालात क्या होते हैं, उन्हें गुजारा करना कैसा होता है? वो सब तो ठीक है नूर, लेकिन सबको अपनी किस्मत के हिसाब से मिलता है, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। तो क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं बदकिस्मत हूँ इसीलिए मुझे जिब्रान मिला? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा खाना तो खा, खा लो। जिब्रान तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हर मुमकिन कोशिश करता तो हूं बल्कि कर रहा हूं, बावजूद इस सब के हर गलती हर बुराई का जिम्मेदार नूर मुझे ठहरा देती है। और हैरानगी तो इस बात की है कि इतनी आसानी से वो भूल जाती है कि मैंने भी कभी उसे ऐशो आराम की जिंदगी दी थी। अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करो। कोशिश कर तो रहा हूं यार, तुम्हारे सामने पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूं, पेंशन भी आ जाती है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ सकता हूं मैं, जो मेरे हालात हैं और ये सब जो चल रहा है सब पैसे की वजह से है। तुम्हारा कुछ बाहर जाने का भी तो सोच रहे थे? सोच तो रहा हूं। तो अप्लाई करो ना, अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो बाहर चले जाओ। अप्लाई तो किया हुआ है यार, दुआ करो कोई हो जाए अच्छी सी जॉब। जाएगा इंशाल्लाह, कुछ ठीक से खाया भी नहीं है बस यार।